हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे भूचरी मुद्रा। भूचरी मुद्रा क्या होती है, कैसे किया जाता है, इसके लाभ कौन कौन से हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि योग से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, आसन से रिलेटेड, मुद्रा से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों, भूचरी मुद्रा या एक ऐसी मुद्रा है, ऐसी पोजीशन है, ऐसा पोज या गेस्टर कह सकते हैं, जो हमारे शरीर को संतुलन प्रदान करती है। हमारे बॉडी में जो वात पित्त कफ हैं, पंच तत्व हैं, त्रिदोष हैं और सप्त धातु हैं, इन सबों को मेंटेन करके रखता है। जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि शरीर को स्वस्थ रखना है तो उससे पहले मन को एकाग्रित होना जरूरी है। इसलिए आइए आज हम लोग करते हैं भूचरी मुद्रा। भूचरी मुद्रा में सबसे पहले ये अपने हाथ की जो पोजीशन है, इसको योग मुद्रा में ले जाते हैं। जो ये थंब है, इसको इंडेक्स फिंगर से टिप पे मिलाते हैं। ये तीन फिंगर सीधी होती है और सीधा बैठने हैं। रीढ़ की हड्डी सीधा हो, आपका सर सीधा हो, गर्दन सीधी हो और आप सामने की तरह देखें। सबसे पहले आंखें को बंद करें, एकाग्रचित हो जाएं। उसके बाद अपना बायां हाथ को उठाएं और उसको अपने होस्ट के पास ऐसे लाएं और ये अंगुली सीधी हो, चार अंगुलियां ऐसे सीधी हो और आपकी दृष्टि जो है वो आपके छोटी अंगुली पे हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिटिल फिंगर पे आप सामने की ओर देखें और कंटिन्यू 5 से 10 मिनट तक ऐसे इस मुद्रा में बैठें। इससे जैसे कि मैं कर रहा हूं, अपने सांसों को महसूस करें, आंखें की पलकें गिरनी नहीं चाहिए, सीधा आपके कनिष्ठिका अंगुली की ओर हो और एकाग्रचित रहें। सांसों को महसूस करें और मेरुदंड और आपका गर्दन जो होती है वो सीधा रहे, आपका सर सीधा रहे, ध्यान से भटके नहीं। ऐसे 5 से 7 मिनट करने से आपका मन एकाग्रचित होता है, चंचलता दूर होती है, अच्छी से नींद आती है, आंखों की दृष्टि बनी रहती है। खास तौर से आंखों के लिए यह मुद्रा बहुत ही उपयोगी है। जिनको दूर दृष्टि है, निकट दृष्टि है, या फिर बार बार जिनको आंखें आती हो, इरिटेशन रहता हो, उन लोगों के लिए ये काफ़ी लाभदायक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।